वंदे मातरम, भारत माता के झंडा ऊंचा रहे। हमारा मैक सुधार मेजर ओम प्रकाश लागी, भारतीय सेना। दोस्तों, जवानों के इतने बुरे दिन आ चुके हैं कि जवानों को हर जगह बेइज्जती, तिरस्कार, हंसी का पात्र बनना, ठीक है, उनमें छीटाकछी करना, उनको टोंट मारना, उनके मुरार को जो है उसको ले डाउन करने की कोशिश करना, ठीक है, और इंडियन आर्मी की छवि को ख़राब करना, ठीक है, उनको इस लेवल का शो करना कि आप लोग कोई बोलते नहीं, आप सिर्फ एक, आपका दिमाग जो है घुटने में होता है, आप लोग बॉर्डर में सिर्फ ड्यूटी दे सकते हो और दुश्मनों पर गोली चला सकते हो। इसके अलावा सिविल प्रशासन में, सिविल जनता के बारे में आपकी भी जो भी नॉलेज है, जीरो बट्टा सन्नाटा है, आप इसके बारे में कुछ नहीं जानते हो। ये इमेज मैं आपको क्लियर बता देता हूँ, देश की जनता को बताना चाहता हूँ। दोस्तों, अगर ये मैसेज मेरा आपके पास जाता है, मैं हाथ जोड़ के आपके इंडियन आर्मी सोल्जर की विनती है ना, जो इंडियन आर्मी के जवानों को प्यार करते हैं, देश से प्यार करते, तिरंगे से प्यार करते हैं ना, तो मेहरबानी करके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करना, ठीक है, ताकि मैसेज आगे से आगे जा पाए दोस्तों, ठीक है। इंडियन आर्मी के सोल्जर का जिस तरह से हनन हो रहा है, जिस तरह से उसकी बेइज्जती की जाती है ना, इसमें मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि आप लोग खुद इस देश की जनता खुद कसूरवार है, ठीक है, इसमें देश की जनता खुद कसूरवार है। दोस्तों, सोशल मीडिया के अंदर आप लोग वीडियो देखते होंगे, किस तरह से नकली सेलिब्रिटी, फिल्मी हीरो, ठीक है, फिल्मी हीरो चाहे कोई हो, किस तरीके से फैन उनके पीछे इस तरह से पागल होते हैं, वो सेल्फी लेने के चक्कर में वो उनको धक्का मार रहा है, उनका गला पकड़ के निकाल दे रहा है, गोविंदा जैसा चाटा मार दे रहा है फैन के, जिनकी वजह से उनकी रोटी चल रही है, जिनकी वजह से उनका नाम देश के अंदर पता चलता है कि इंसान ये है, ठीक है। और पर्दे में जब सीन एक्शन होता था, उसमें ये ऐसे बन जाते हैं जैसे कि बहुत ही सीधे और ये दूध के धुआं दी, और इनके पीछे जो नाक छुपा हुआ ना, कोबरा, ब्लैक कोबरा, ठीक है, जिसका जैसा पनीर मांगता, वो ये लोग होते हैं, ठीक है, समझ गए। और इन लोगों को देश की जनता सम्मान देती है और इंडियन आर्मी के सोल्जर को अपने पाँव की जूती समझते हैं दोस्तों, और ये आज बिल्कुल क्लियर हो गया है। और दोस्तों, जल्द से जल्द मेहरबानी करके, ये घटना जो है श्रीनगर के, उत्तराखंड श्रीनगर की बात कर रहा हूँ, जिस जवान की मैं बात कर रहा हूँ, मैं उत्तराखंड की बात कर रहा हूँ दोस्तों, ये अपने दिमाग में बैठा लेना, उत्तराखंड गढ़वाल श्रीनगर इलाका है वहाँ पर, ठीक है, उस इलाके की बात कर रहा हूँ। वहाँ के इलाके का एक जवान जो है छुट्टी आया हुआ था, छुट्टी आने के दौरान जस्ट अभी की ये घटना है, छुट्टी आने के दौरान जो है उसके भाई को उसने कोई गाड़ी खरीद के लॉन में लेके दी थी, चलाने के लिए दी थी, उसको पुलिस वालों ने पकड़ा, जो उनका हक है, उनका कानून है, उसको हम उस राइट को मानते हैं, उन्हें जो भी करना था करना, ठीक है, उसके बारे में हम कुछ भी नहीं कहेंगे। लेकिन इंडियन आर्मी का सोल्जर जब अपनी माँ के साथ, ठीक है, इंडियन आर्मी का सोल्जर जवान जो अपनी माँ के साथ पुलिस थाना श्रीनगर कोतवाली, वहाँ का एएसआई सुरेश रतोड़ी, मुझे लगता है ये भी गढ़वाली होगा, सुरेश रतोड़ी, ठीक है, ये भी गढ़वाली होगा, ठीक है, इसके सीने में भी उत्तराखंड का खून होगा, ठीक है। इंडियन आर्मी का सोल्जर जब वहाँ जाता है, उसमें जो भी पेनाल्टी पड़ी है, मान लिया 15-20 हज़ार जो भी था, उसने वहाँ बताया था पुलिस थाने में, अपना बयान में बताया भी, आपने पैसा लेना ले लो, और वो कम हो सकता है इंडियन आर्मी के सोल्जर होने के नाते, तो आप उसको कम कर सकते हो मेहरबानी करके, और दो और कहते हैं मेरे भाई को छोड़ दो और आप ले लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। और इसी के बीच में जो है वहाँ का जो एसआई है ना, वो बताता मैं आर्मी में, और वीडियो बनाने लगता है ये कि वीडियो, तो वो बोलता, वो इसी बीच में वो क्या बोलता है कि इंडियन आर्मी माय फुट, देश की भारतीय सेना मेरे जूते में, ठीक है, वो देश की, अगर उसने ऐसा कहा है ना, अगर उसने ऐसा कहा है, वो जवान ने क्लियर बोला है, और वहाँ की सीसी फुटेज में भी वो है बोला, और उसने क्लियर ये चीज़ें बातें कही हैं, और माँ की बात को तो नहीं मानेंगे, वहाँ की सीसी फुटेज उन्होंने उड़ा दिया, खा दिया, तो अलग बात है, लेकिन सवाल यह है कि इंडियन आर्मी के जवान को अगर उसने ऐसा कहा है, पॉइंट नंबर वन, और जिस तरह से उसकी पिटाई की है दोस्तों, जिस तरह से वो वीडियो में अभी आपको दिखाऊंगा, जिस तरह से उस जवान की इतनी बुरी तरह इंडियन आर्मी के सोल्जर की पिटाई हुई है, किस तरीके से उसको मारा गया है, और वो एसआई जो सुरेश रतोड़ी है ना, मैं इंडियन आर्मी सोल्जर सुधार मेजर ओम प्रकाश लागी, भारतीय सेना, अबे रतोड़ी, तू मतलब एएसआई के नाम पे कलंक है, और तू पुलिस प्रशासन का धब्बा है। इतने अच्छे अच्छे पुलिस वाले जो अपंग लोगों को, इतने लाखों वीडियो वायरल होते हैं सोशल मीडिया के माध्यम, जो अपंग लोगों को बस में चढ़ाने में हेल्प करते हैं, एक गाड़ी एक आदमी में खराब हो जाती है, पूरी फैमिली वहाँ पर खड़ी है, दो पुलिस वाले बाइक में आकर रुक कर उन लोगों का पूरा सपोर्ट करते हैं, गाड़ी को बाइक दे धक्का लगाते हैं, एक बाइकर जिसकी गाड़ी एकांत में सन्नाटे में खड़ा हो जाती है, उसका पेट्रोल ख़त्म हो जाता है, ठीक है, दो पुलिस वाले बाइक में उसको पुलिस पेट्रोल पंप तक सुरक्षित पहुंचाते हैं, ठीक है, अपंग लोगों को रास्ता क्रॉस करवाते हैं,
बुजुर्ग लोगों की हेल्प करते हैं, इतने ऐसे ऐसे पुलिस वाले इंडिया के अंदर है कि उनको तहे दिल से इंडियन आर्मी का सोल्जर सुधर भी ओम प्रकाश लगे सल्यूट करता है। लेकिन ऐसे नकारे कलंक, देश के नाम पे कलंक, पुलिस प्रशासन के नाम पे कलंक और अपने घर के नाम पे कलंक, ऐसे लोग जो इंडियन आर्मी की बदनामी करते हैं, इंडियन आर्मी की छवि को ख़राब करते हैं। और रेशम के साथ वो घटना हुई थी, उसके बाद एक सुबेदार साहब के साथ घटना हुई, फिर एक मेजर साहब के साथ घटना हुई, एक कर्नल साहब के साथ एक घटना हुई, उसके बाद तीन चार जवानों के साथ और घटना हुई। ठीक है, इतनी बुरी बुरी घटनाएं हो रही है लेकिन उस पर कोई भी संज्ञान नहीं लिया जाता है। मोदी जी, देश के प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि आपको सोशल मीडिया नज़र नहीं आता, क्या कहे, हमारे पास तो कोई, हमारी तो कोई सुनता नहीं है, ना हमारी कोई पावर है, ना कुछ है, ना कोई, हमें खुद केस जाके लड़ना पड़ेगा, हमें कुछ जाके अपना खुद रोना रोना पड़ेगा। आप लोग का काम है कि हमें बस बॉर्डर में झोंक दो और वहाँ पे तिरंगे पर लपेट के हम लोग वापस आ जाए और एक फायरिंग कर दो चार वर्ष का, उसके बाद उसको ताबूत से निपटा के तिरंगे को लपेट के फोड़ बना के उसके घर वालों को पकड़ा दो और उसका गुड बाय। उसके बाद उसके परिवार मर रहा है, भसा, उसके बारे में कोई भी संज्ञान लेना, कुछ लेने का नहीं है। ठीक है, सोशल मीडिया में चटकर गोदी मीडिया के माध्यम से आप लोग ये खबर फैला दो कि ये करेंगे वो करेंगे, ये करेंगे शहीदों के लिए, हम ये करें फैला कर, कोई किसी के लिए कुछ भी नहीं करता, ये कड़वा सच है आज की डेट में। ठीक है, कोई कुछ नहीं करता है। इतने सोशल मीडिया के अंदर इतने वीडियो वायरल, क्या तुम्हारे कानों में तेजाब पड़ा हुआ है, क्या तुम्हारे कानून जूनियर हैं? माननीय राष्ट्रपति महोदय जी, देश के प्रधान, गृहमंत्री, रक्षा मंत्री, क्या सोए हुए आप लोग हैं? देश के जवान को इस तरह से पीटा जा रहा है, हमारा दिल रो रहा है, हम तड़प रहे हैं अंदर से, कूट कूट के अंदर से खून के आंसू पी रहे हैं, लेकिन डायरेक्ट सोल्जर के नाते इस तरह के कदम हम उठा नहीं सकते हैं, इसलिए हम मजबूर हैं, हम कानून का सहारा लेना चाहते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट भी क्या सोई हुई है, है? क्या जो 200 करोड़ रुपये पकड़े हैं उसके जहन के, उसके जो उसी में बिजी है या फंक्शन में, प्रोग्राम में, चुनाव में भेजिए आप लोग? इंडियन आर्मी सोल्जर की कोई भी आपको कोई भी मान मर्यादा और सम्मान का कोई भी वो है? देश की जनता से मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ सर, दोस्तों, प्रधानमंत्री जी कुछ नहीं करने वाले, देश का राष्ट्रपति जी कुछ नहीं करने वाले, गृह मंत्री अमित शाह जी कुछ नहीं करने वाले, राजनाथ साहब भी कुछ नहीं करने वाले, ये लोग सिर्फ मोदी जी दिवाली में जाके ना आप वहाँ जाके मिठाइयाँ खाना और जवानों का हौसला अफजाई, नकली हौसलाई करके आना, लेकिन रियल तौर पर जवान की जिस तरह से बेइज्जती की जाती है, किस तरह से उनके कपड़े फाड़ जाते हैं, किस तरह से उनको टॉर्चर किया जाता है, किस तरह से उनको मान सम्मान का हनन किया जाता है, किस तरह से बैंकों में उन्हें वेटिंग रूम पर वेट कराया जाता है और किस तरह से लोग बात करते रहते हैं और वो जवान वेट में रहता है, जवान का फिक्स टाइम होता है सेना के अंदर, समझ गए? और इस तरह की बदनामी की जाती है, किस तरह से उनको मारा गया, उसको टॉर्चर किया गया। ये जो SI सुरेश हथौड़ी है वो वहाँ गया था, उसने बोला, जवान ने बोला सर कि मेरे को कुत्ते की मतलब मेरे को जो है वो मत करो, क्या कहते हैं, अगर आप बोलो मैं वीडियो बनाता हूँ, आप मेरे को गाली दे सकते हो लेकिन सेना को गाली नहीं दे सकते हो। और लेकिन उन्होंने उसको कुत्ते की तरह पीटा है, बुरी तरह मारा है, उसके पैर से लेकर ऊपर हिप्स से लेकर उसके गर्दन में, गले में, यहाँ पे हड्डी के पास ऐसी सो जा दिया है, इतनी बुरी तरह मारा है। दोस्तों ऐसा कलंक SI और ऐसे पुलिस कलंक, पुलिस आप क्या कहोगे? ठीक है दोस्तों, वीडियो को जैसा है शेयर करना, अगर हम लोग सब मिलकर टीम बनेंगे तो इनका जो है इनकी नौकरी साफ होगी और ये लोग दर दर की ठोकरें खाने के कोर्ट करने कर काटते रहेंगे जिंदगी भर। सिर्फ हमें एक होना होगा, एकता में बहुत ताकत होती है, जब पांचों उंगलियां मिल जाएंगी तो हमें खुद लड़ना पड़ेगा, क्योंकि हमारे साथ ना गवर्नमेंट है, ना कोई है, ना रक्षा मंत्री है, ना गृह मंत्री, कोई नहीं है दोस्तों हमारे साथ, क्योंकि इतने वीडियो वायरल, कोई भी संज्ञान नहीं लिया जाता है, कोई सपोर्ट नहीं किया जाता है और ये बहुत ही कोई कानून नहीं बनेगा। मैंने पोल पहले ही बोला था, इंडियन आर्मी का सोल्जर से अगर कोई गलती पे गलती हो जाती, इन्होंने सोल्जर पहले कभी गलती नहीं करता है। ठीक है, इंडियन आर्मी का सोल्जर कानून और नियम से प्रतिबंध होता है और अपनी वर्दी और अपनी वर्दी का सम्मान कभी भी नहीं गिराएगा, तिरंगे का मान को कभी नहीं गिराएगा। अगर 22 दिवस से कोई गलती हो भी जाती है ना तो उसको कम से कम यार सेना के अंडर उसको उसकी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, ना कि पुलिस वाला आके उसको इंडियन आर्मी के सोल्जर को छू भी टच भी कर सके। उसके इतनी हिम्मत नहीं होनी चाहिए कि वो इंडियन आर्मी के डस को, उसकी इतनी औकात नहीं ऐसे करप्ट पुलिस वाले की कि जो इंडिया के सुने गर्म फल के उसके वर्दी को फाड़े और उसके उसको डंडे से मारे। ठीक है, ये दोस्तों श्रीनगर गढ़वाल की घटना जिसमें इस बच्चे को, ये इंडियन आर्मी के सोल्जर को, ठीक है, इंडियन आर्मी के सोल्जर को जिस तरह से बुरी तरह पिटा गया है, वो जवान साहब वहाँ भी छुट्टी से वहाँ भी चला गया है, वो जो है 13 आराम में पोस्टेड है। ठीक है, 13 आराम में पोस्टिंग है JNK में श्रीनगर के अंदर, लेकिन जो घटना हुई है वो गढ़वाल के श्रीनगर के अंदर, गढ़वाल श्रीनगर कोतवाली के अंदर इंटर कॉलेज के पास। और ये जो रतौड़ी है ASI और ये ASI हो जो करप्ट पुलिस इंस्पेक्टर है जिसने उसको कहा कि मेरे जूते में पनिशमेंट, नंबर वन इसने एक बहुत बड़ी मतलब जो है देश का सम्मान को हनन किया है, नंबर दो इसने राष्ट्रपति को गाली दी है, इसने रक्षा मंत्री को गाली दी है, इसने गृह मंत्री को गाली दी है। अगर जवान, अगर उसने बोला कि इंडियन आर्मी माई फुट, मेरे पैर में जूती है इंडियन आर्मी, तो
इसने राष्ट्रपति को गाली दी है, इसने मोदी सर कहते हैं भारत के प्रधानमंत्री को गाली दी है, इसने गृह मंत्री अमित शाह को गाली दी है, इसने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को गाली दी है और जिसे देश के हर जवान को इस इंसान ने गाली दी है। दोस्तों दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से हाथ जोड़ के आपसे विनती है कि वीडियो को ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करना यार, मैं बता रहा हूँ मेहरबानी करके, ठीक है। वीडियो देख लो, वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए मैं बता रहा हूँ। और दोस्तों आपको एडवांस में नए साल की बहुत तब की अपनी सेफ्टी करो, ओमिक्रॉन से अपना बचाव करो, कल के दिन जिंदगी रहेगी तो नए साल आते रहेंगे, ठीक है। हर दिन नया साल है, परिवार के साथ रहो, खुश रहो, मस्त रहो, ड्रिंक का इस्तेमाल मत करो और परिवार के साथ खुश और मस्ती अपनी जिंदगी को व्यतीत करो, ठीक है। ये वीडियो मैं आपको दिखाता, ये देखो, ये देखो जवान की किस तरीके से मारा है। ये देखो दोस्तों अब इतनी बुरी तरह पीटा है, ये देखो पीटे भी पूरा। दोस्तों वीडियो दिखाने का मन नहीं कर रहा बिल्कुल, इतनी हिम्मत भी नहीं पड़ रही यार दोस्तों, इतनी बुरी हमारे दोस्तों हमारी सेना के इस तरीके से हौसला को डाउन कर किया जा रहा है, ठीक है। देश सरकार द्वारा भी, ठीक है, इंडिविजुअल सिविलियन द्वारा, जो देश की जनता उसके द्वारा भी, ठीक है। ये सोचते हैं कि ये सैनिक है, इनका दिमाग घुटने में होता है और ये सेना में भाई गोलियां चला सकते हैं, दुश्मन को ही गिरा सकते हैं, बाकी इनका कोई काम नहीं है, बाकी इनको कोई भी नॉलेज नहीं होती है। और ये मतलब एक उसकी तरह से देखते हैं, अगर इंडियन आर्मी के सोल्जर को और किसी हीरो को खड़ा कर दिया ना तो इस इंडियन आर्मी के हीरो को कुछ भी नहीं पूछेगा यार, कोई नहीं पूछता दोस्तों। रोना आता, बुरा लगता है कि ये दिन भी देखने को पड़ रहा है, क्यों? क्योंकि इसकी वजह से, क्योंकि कानून सख्त नहीं है, सुप्रीम कोर्ट हमारे साथ नहीं है, देश की सरकार हमारे साथ नहीं है, राष्ट्रपति महोदय हमारे साथ नहीं है, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री और देश के प्रधानमंत्री जी हमारे साथ नहीं है, क्योंकि इनको लोगों को कभी भी ऐसा सबक नहीं मिल पाता। इनको कानून में इतनी सख्त सज़ा मिलनी चाहिए कि ताकि कोई भी ऐसा पुलिस वाला ऐसा कांड नहीं करे, क्योंकि 70% पुलिस वाले बहुत अच्छा बढ़िया काम कर रहे हैं, 30% ऐसे घुस गए ना जो घूस खाने के अलावा देश में भर्ती हुए हैं, जो घूस खाने के लिए पुलिस प्रशासन भर्ती है और इनका कोई काम नहीं है, घूस लो और अपने परिवार को चलाओ। किस तरह ट्रक ड्राइवरों को किस तरह से ये ट्रक ड्राइवरों से वसूली करते हैं, RTO से लेके कहाँ कहाँ
इतने बड़े बड़े स्कैम और धंधे चलते हैं, किस तरीके से गाड़ी वालों से पैसा वसूल करते हैं, किस तरह से चालान के नाम पे ऐसे वसूली करते हैं ना, ये 30% अपनी ड्यूटी को बिल्कुल 110% कर रहे हैं। दोस्तों वीडियो को ज़्यादा शेयर करना। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।